हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार चैनल पे। मैं हूँ संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक और अमेजिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज की प्लगइन डीएक्टिवेशन हुक क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और इसका क्या यूज़ है। साथ ही साथ इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पिछले वीडियो में जो हमने टेबल को क्रिएट किया था हम उसे ड्रॉप भी करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पर अपलोड करते रहें। सो अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में हमने एक्टिवेशन हुक के बारे में समझा था, काम भी किया था, साथ ही साथ प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद हमने इस टेबल को क्रिएट किया था, दैट इज WP_EMS फॉर्म डेटा। अब इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर हमने प्लगइन को डीएक्टिवेट किया तो इस टेबल को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जाऊं उस डैशबोर्ड में, क्लिक करूं प्लगइन्स के ऊपर और अगर अपने उस प्लगइन को डीएक्टिवेट करूं, प्लगइन डीएक्टिवेट हो चुका है। बट अगर मैं इस डेटाबेस में जाऊं तो हम देख सकते हैं टेबल एग्जिस्ट है। बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर प्लगइन डीएक्टिवेट होता है हमारे सेटअप थे, सो इसका मतलब जितना भी डेटा हमने जो क्रिएट किया था वो हमें रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले प्लगइन डीएक्टिवेशन हुक क्या होता है। सो एक हुक जो प्लगइन डीएक्टिवेट करते वक्त जो फायर हो उसे कहते हैं प्लगइन डीएक्टिवेशन हुक। ये ऑटोमेटिक फायर होती है। सो इस केस में जैसे हमने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम प्लगइन जो हमने डीएक्टिवेट किया तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन ट्रिगर हुआ। सो फिलहाल उस फंक्शन को हमने हैंडल नहीं किया है, सो वो टेबल डिलीट नहीं हुई। सो अब हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने कस्टम प्लगइन के अंदर। तो मैं जाऊंगा WP-Content Plugins और ये रही हमारी फाइल custom-plugin.php। मैं ओपन करने वाला हूँ custom-plugin और इसी फाइल में हम यूज करने वाले हैं प्लगइन के कॉन्सेप्ट, दैट इज डीएक्टिवेशन हुक। सो यहां पर प्लगइन डीएक्टिवेशन, सो रजिस्टर डीएक्टिवेशन हुक एक फंक्शन है वर्डप्रेस का। इसके अंदर जो हमें पास करना है दैट इज प्लगइन मेन पाथ। इसका मतलब ये जो फाइल है ये प्लगइन की मेन फाइल है, उसके पाथ को पास करना है। सो मैं यूज करने वाला हूँ PHP का मैसेज कॉन्स्टेंट, दैट इज _file_। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू हमें पास करना है दैट इज ऑल अबाउट अ कॉल बैक फंक्शन। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम उन सारे लॉजिक्स को लिखने वाले हैं जिस लॉजिक के थ्रू हम उस टेबल को ड्रॉप कर सकें। सो यहाँ पर होगा EMS, इसका मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम _drop_table। सो मैं इस कॉल बैक फंक्शन को कॉपी करेंगे और हम इसे यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। सो फंक्शन EMS_drop_table। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल अभी के लिए हमने एक टेबल को क्रिएट किया अपने डेटाबेस में ऑन प्लगइन एक्टिवेशन। सो प्लगइन के डीएक्टिवेशन पे हमें उस टेबल को डिलीट करना है। सो टेबल को डिलीट करने के अलावा हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्लगइन को थोड़ा एडवांस पे क्रिएट किया होता, लाइक अगर प्लगइन एक्टिवेट करते वक्त हमने कोई पोस्ट क्रिएट किया होता, पेजेस क्रिएट किए होते हैं, कोई सेटिंग्स को क्रिएट किया होता, तो उन सभी चीज़ों को डीएक्टिवेशन के वक्त हमें डिलीट करना होता। सो यहां पर अभी तक हमने जो क्रिएट किया है दैट इज ओनली टेबल। सो हमें सिर्फ टेबल को ड्रॉप करना है। सो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले इस कॉल बैक फंक्शन में हम यूज करने वाले हैं ग्लोबल WPDB ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखने वाले हैं MySQL क्वेरी और उस क्वेरी में हम ये बताने वाले हैं कि हम टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं। सो SQL =(double quotes) ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। सो इसके बाद जो टेबल नेम है, अगर आप ध्यान दो, अगर मैं जाऊं अपने PHP में एडमिन के अंदर, मैं टेबल के नेम को कॉपी करूंगा और अगर मैं इसे यहां पुट कर दूं, सो ये टेबल नेम है WP_EMS_formData। सो ये जो प्रीफिक्स है इसे हम गेट कर सकते हैं WPDB प्रीफिक्स प्रॉपर्टी को यूज करके। सो यहां पर मैं अगर कहूं table_prefix =WPDB_prefix_variable। सो हमारे पास जो ये WP_ वो हमने गेट कर लिया है, तो हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब जो टेबल नेम हमारे पास बचा दैट इज EMS_formData। सो मैं यूज करने वाला हूँ करली पेयर्स, मैं इसे पास कर दूंगा ये क्योंकि टेबल प्रीफिक्स है। मैं इस पूरे नेम को कॉपी करूंगा, अपने क्वेरी में जाऊंगा, सो ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम। उसके बाद जो हमने डेटाबेस ऑब्जेक्ट को जो यूज़ किया है मैं इसे कॉल करूंगा WPDB और हम कॉल करने वाले हैं
क्वेरी मेथड। इस क्वेरी मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं अपने MySQL क्वेरी, मैं इसे कॉपी करूंगा और पुट कर दूंगा। सो ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोसेस टू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस ऑन प्लगइन डीएक्टिवेशन। सो हम सेव कर देंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, मैं जाऊंगा प्लगइन्स वाले सेक्शन में। सबसे पहले हम इसे ड्रॉप कर लेते हैं, हमने ड्रॉप कर दिया, वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। टोटल नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल्स टू 12। यहां पर जाएंगे, हम प्लगइन को एक्टिवेट करने वाले हैं। प्लगइन एक्टिवेटेड, होपफुली टेबल क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं डीएक्टिवेट करूं, प्लगइन डीएक्टिवेटेड, अब अगर मैं जाऊं स्ट्रक्चर तो हम देख पाएंगे टेबल डिलीट हो चुका है। सो सक्सेसफुली ये छोटी सी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके अपने किसी भी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। सो यहाँ पर फिलहाल हमने एक टेबल को क्रिएट किया था। अगर आपके केस में अगर किसी पेज को क्रिएट किया हो, आपने पोस्ट को क्रिएट किया हो, किसी सेटिंग्स को क्रिएट किया हो, तो आप उन सभी चीज़ों को इस डीएक्टिवेशन हुक कॉल बैक फंक्शन के जरिए आप उन्हें सक्सेसफुल तरीके से रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो हमने कमांड लिखा है दैट इज ड्रॉप टेबल टेबल नेम, फॉर एग्जाम्पल जिस टेबल को हमने यहाँ पास किया है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं? सिंपल, स्क्वायर में थोड़ा चेंज करेंगे ताकि ड्रॉप करने के पहले हम ये चेक कर लें क्या वो टेबल एग्जिस्ट करता है। सो हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉप टेबल मैं यूज करने वाला हूँ इफ कंडीशन, इफ एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट। अगर वो सेव होता है मीन्स वो एग्जिस्ट करता है तभी उस टेबल को हम ड्रॉप कर सकेंगे। सो अगर मैं सेव कर दूँ, फटाफट हम इसे चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं वापस एक्टिवेट करूँ, अभी फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स इक्वल्स टू 12 है, एक्टिवेट टेबल इक्वल्स टू 13, टेबल क्रिएटेड। अगर मैं डीएक्टिवेट करूँ, लेकिन डीएक्टिवेटेड, रिलोड करूं, अब वो टेबल ड्रॉप हो चुका है। सो सक्सेसफुली गाइस, ये थी हमारी कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि प्लगइन एक्टिवेशन के वक्त हम टेबल को कैसे क्रिएट करें, जैसा कि हमने क्रिएट किया था, और डीएक्टिवेशन के वक्त हम टेबल को कैसे ड्रॉप करें। सो आई होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। सो प्लीज लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।